नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप दिवाकर, आपका फिर से स्वागत है मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसमें मैं रूट्स और उससे बनने वाले शब्दों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, आपके प्यार का ही नतीजा है कि मैं आगे से आगे वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं, और इसी से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे कि कैसे हम काटने से संबंधित जो शब्द हैं जो काटने से संबंधित शब्द है वो रूट है, और उनसे बनने वाले शब्द हैं उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इंग्लिश में कैसे रूट से वर्ड बनता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार हम जो वीडियो हमें यूट्यूब पे लिंक ओपन करने पे दिखती है, उसकी क्वालिटी बहुत कम होती है। तो आप क्वालिटी ऑप्शन में जाके इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे तो आपको धुंधली वीडियो नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारे पास में रूट है वो है टॉम। टॉम का मतलब होता है दोस्तों कटिंग, यानी काटना। और जो प्रीफिक्स है इन, इन ई एन अगर किसी आगे लगे उसका मतलब इन, यानी अगर इससे जो शब्द बन रहा है वो हम देखें एंटमोलॉजी। तो एंटमोलॉजी मतलब होता है कटिंग इन। तो हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी बॉडी क्या बहुत सारे भागों में डिवाइडेड होती हैं। सेक्ट्स हर सेक्शन अलग होना, जैसे चींटी को देखें तो उसके भी सेक्शन बने हुए होते हैं, किसी मकोड़े को देखें उसके भी सेक्शन बने हुए होते हैं। तो जो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उस सेक्शन में डिवाइड होते हैं। तो जो एंटमोलॉजी यानी कटिंग इन, यानी जो टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं उन जानवरों की, अगर उन कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी करती है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं एंटमोलॉजी, यानी साइंस की वो ब्रांच जो कीड़े मकोड़े सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं उनका स्टडी करती है, उसको हम बोलते हैं एंटमोलॉजी। और उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास एंटमोलॉजिकल। अब हमारे पास आई एन अगर एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है इन, और सेक्टस का मतलब होता है काटना। तो इंसेक्ट का मतलब होता है ऐसा कीड़े मकोड़े जो टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं, कटे हुए होते हैं। तो हम कीड़ों मकोड़ों को ही बोलते हैं इंसेक्ट, क्योंकि वो कटे हुए होते हैं, सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। इंसेक्टिसाइड होता है कीड़ों को मारने की दवाएं। अगला जो रूट हमारे पास प्रीफिक्स है दोस्तों वो है इक का मतलब होता है आउट। इक टर्म का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसीजर जिसके अंदर हम किसी भी साइंस के ब्रांच को काट के टिश्यू को या किसी भी चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एक टर्म, यानी किसी भी चीज़ को काट कर बाहर निकाल लेना, आउट कर देना। इसके जो रिलेटेड जो साइंस की ब्रांच है वो टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी हम क्या करते हैं, टॉन्सिल को बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से, उसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। ऐसे अपेंडेक्टोमी यानी अपेंडिक्स में जो हड्डी बढ़ जाती है उसको बाहर निकालने की जो साइंस की ब्रांच है उसको बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। इसमें सब में एक टर्म आ रहा है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये किसी चीज़ को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अगला जो हमारे पास रूट है दोस्तों वो है कैंट्रोन। कैंट्रोन का मतलब होता है सेंटर, यानी सेंटर में। हमने एक सेंट्रम भी रूट देखा था मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें, उसका मतलब भी होता है सेंट्रम। वो एक लेटिन रूट है, ये ग्रीक रूट है। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मतलब होता है एक का मतलब होता है आउट। एक्सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर से आउट। एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेव करता है उसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। अब एक्सेंट्रिक पर्सन वो होता है जिस नो नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर करता है। हमारा जो अगला प्रीफिक्स है वो है ए। ए किसी के आगे लग जाता है तो वो होता है कि नेगेटिव, यानी नहीं हो सकता। जैसे टॉम यानी होता है कटिंग, काटना। एटम यानी नहीं काट सकते। ये पदार्थ के सबसे छोटी अवस्था होती है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, परमाणु जिसे बोलते हैं। तो एक ऐसी चीज़ जिसको ज़्यादा काट नहीं सकते, आगे फर्दर काट नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं एटम यानी परमाणु। अगला जो प्रीफिक्स है हमारे पास एना। एना मतलब होता है अप। एनाटॉमी यानी टॉमी यानी कटिंग अप, यानी हम क्या करते हैं बॉडी के पार्ट्स को काट के अलग करते हैं, या पौधों के पार्ट को, पौधों या जानवरों पौधों के पार्ट को अलग कर काट के अलग करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, यानी कटिंग अप द पार्ट्स। और एनाटॉमिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने काटने से संबंधित कुछ शब्द देखे और इस जाना कि कैसे रूट्स के द्वारा ये, और कुछ प्रीफिक्स भी जाने जिनसे ये शब्द बनते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में कुछ और शब्द देखेंगे जो काटने से रिलेटेड है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।